आज के वीडियो में हम लोग डोरेमोन के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली डोरेमोन के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने बचपन में डोरेमोन देखा है तो आपको पता होगा कि वो एक जापानीज एनीमे है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी भी एनीमे का लाइव एक्शन वर्जन बनता है तो वो जनरली अच्छा नहीं होता। बट क्या होता है जब वो लाइव एक्शन अडैप्टेशन इंडिया में बनी हो? ओए, स्टीरियोटाइप्स फनी नहीं होते भाई। जिंदगी सवार बाहर दुनिया ही बदल में तो मोदी का सरकार। मैं किसी का सपना आज बन गया सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं कर। अब मैं एक हिंदू। अगर आपको डोरेमोन के थीम सॉन्ग का ये वाला वर्जन स्पॉटिफाई पे चाहिए तो आप अपना चेकअप कराएं। और हम पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंडियन डोरेमोन की कास्टिंग चॉइसेस क्या है। सबसे पहले आता है सुनियो, जो कि सुनियो कम बट साउथ का टोनी स्टार्क ज्यादा लग रहा है। फिर आता है नोबिता, जो नोबिता की तरह लगने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और फिर आती है शिजुका, जिसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है पिंक कपड़े पहनना। और फिर आता है देकिसुगी, जो कि शायद एक मोटो ब्लॉगर बनना चाहता था बट एक लो बजट फिल्म में एक्टर बन के रह गया। फिर आता है जियान, जो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट कास्टिंग चॉइस था इन लोगों का। ओके, अनुपम शर्मा इज सेइंग सपनी सिंह, मैं हूं जियान। मेरे ऊपर ना एक मीम बनता है जियान, मतलब वो बहुत बेसुरा गाता है। इस चैनल पर डोरेमोन के 5 फिल्म्स हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे 500,000 व्यूज भी है। लेकिन इस लीड एक्टर को मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में एक डिजीज है, इसको कहते हैं SRKK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 
मैंने भी ऐसी हरकतें कर रखी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी इस चीज को करते हैं जो थोड़े चूतिया दिखते हैं। तो आप छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। जानता हूं मैंने बहुत वक्त लगा दिया, पर मैं आ रहा हूं शिजुका। तुमने कभी सुबह की हवा को महसूस किया है? तुम मेरे लिए वो सुबह की ठंडी हवा हो। भाई नोबिता वो कैरेक्टर था डोरेमोन के अंदर जो खुद कुछ नहीं कर पाता था, उसको लेजिट नेपोटिज्म के थ्रू फ्यूचर से एक रोबोट मिला जिसने उसकी हेल्प करी थी। ये तेरे को शाहरुख खान की स्टोरी लग रही है कि तुषार कपूर की? नाउ आई नो कि डोरेमोन की स्टोरी 22 साल की उम्र में पता होना डिटेल में थोड़ा सा एम्बेरसिंग है, बट मेरे ख्याल से उससे भी एम्बेरसिंग वो चीज़ है कि आप उसके लाइव एक्शन वर्जन में, लो बजट वर्जन में बहुत खराब एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरे चैनल पे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इनकी मूवी एक्चुअली कैसी है। डोरेमोन द वेडिंग 1 मिलियन व्यूज है, साईफाई वीएफएक्स है भाई। नहीं एक बार तू ये थंबनेल देख, और अगर तूने कभी कुछ नहीं देखा है तो मुझे गेस करके बता कि इसमें से नोबिता कौन है, सुनियो कौन है, और एक जो वो क्या नाम था उस पागल का भाई, डिकी सुगी, इनमें से कौन है? सॉरी वाज बिजी इन स्टडीइंग मैकेनिज्म डिजाइन फॉर रोबोटिक्स। ये कौन बोलता? I don't know what it is. Hey. भाई ये दिल्ली नोएडा गुड़गांव में से कोई एक जगह है, ठीक है? उसको वो जापान बना रहा है, ठीक है? जापान में जो फॉल होती है ना वहाँ पे, तो पिंक फ्लावर पिंक वो होता है, तो ये भाई साहब इन्होंने सीधे पिंक पेल दिया है। एक ही बार में देख के डाविंची रिजॉल्व में नोट सेलेक्ट, जो भी ग्रीन दिख रहा है ग्रीन को पकड़ के पिंक बना दो सीधा का सीधा। तो उसमें जो कुछ कुछ येलो पत्ते थे वो जो भूरे हो गए वहाँ चेर्नोबिल स्टाइल। और ये इसका घर था, ये क्या कर रहा है? हाय सुनियो, व्हाट्स अप बड़ी? इतना अमीर आदमी स्विफ्ट लेके आया? मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो डेकी सुगी के साथ है। मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। चल मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। ये क्या एक्टिंग था? डोरेमोन है ना? डोरेमोन यहाँ नहीं है नोबिता। मैं लवड़ी अंधी है क्या? मैंने तो अपना ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढ लिया है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज नोबिता का ख्याल रखना। डोरेमोन तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे शिजुका से कुछ कहना जो मैं कब से कहना चाहता हूँ। कम ऑन डेकी सुगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कार्ड
मेरा बेस्ट फ्रेंड नोबिता पटेल। भाई कल होना बना रहा है ये, कल होना वो छाप दिया है इसने, एक कैरेक्टर उठाया कहीं और से, स्टोरी उठाया कहीं और से, घास कहीं से उठाया, फूल पत्ती कहीं से उठाया, बाल कहीं से उठा लिए हैं भाई, पता नहीं कौन सा गोल्डन रिट्रीवर काट के पीछे लगा लिया है, समझ नहीं आ रहा मुझे। We are going to be together forever. I am taking pledge to be loyal to you always. English का मजाक नहीं बनाएंगे मुझे, Japanese है। मैं फिर भी खुश था इनके डिसीजन से कि इन्होंने डोरेमोन को एक VFX बनाया पर एक आदमी को कास्ट नहीं किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अगले फिल्म के लिए नहीं कह सकता। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है अगर डोरेमोन हरियाणा से है। अरे नोबिता कहाँ रह गया? अरे मुझे वहाँ अंदर सर ने रोक लिया था, इस वजह से मैं लेट हो गया। ये गाड़ी कितनी सुंदर है। ये गाड़ी मेरे पापा ने मुझे दिलाई है स्कूल आने जाने के लिए। ऑब्वियसली हरियाणा वाले सुनियो के पास स्कॉर्पियो ही होगी, ऑब्वियसली। सर थोड़ा सा सर्विसिंग तो करा लो गाड़ी का, हरियाणा की थोड़ी तो इज्जत रख लो भाई। तुम मेरी मदद करो डोरेमोन। कोई गैजेट से मना कर रखी है ना, आज मेरी छुट्टी है, जा तू। वो सुनियो जियान को और शिजुका को अपने साथ ले गया। शिजुका भी जा रही है? पूरे हरियाणा में फीमेल्स इतने कम है कि डोरेमोन जो कि एक बिल्ली है उसको भी शिजुका ही पसंद है। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट वही है कि आप इसको जितना आगे तक देखते हैं उतना ये वीडियो डंप होता जाता है, जैसे कि ये जो इन्होंने गैजेट का नाम रखा है इस वीडियो में, टाइम वॉच। जी हाँ, इस गैजेट का नाम है टाइम वॉच। इन्होंने अपने स्क्रिप्ट में उतनी मेहनत करी जितना मैंने इस साल अपना वजन कम करने के लिए। फाइनली हम लोग वो चैनल्स देखेंगे जो हमें बताते हैं कि डोरेमोन असली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। भाई मेरी फोटो डालना बंद कर यार। दोस्तों क्या आप नोबिता और डोरेमोन की असली कहानी के बारे में जानते हैं? दोस्तों आपने पहले नोबिता और डोरेमोन की काफी सारी कहानियां सुनी होंगी। भाई नोबिता जापान में पढ़ता था तो उससे कोटा स्टूडेंट वाली हरकतें क्यों करवा रहे हो? दोस्तों ये कहानी है जापान की। यहाँ एक लड़का जिसका नाम नोबिता होता है उसे एक सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है। एक सेकंड, कौन सी बीमारी? दोस्तों नोबिता को सिज़ोफ्रेनिया होने के पीछे उसे एक सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है। तो गाइस आपने डोरेमोन के कई सारे एपिसोड में देखा होगा कि डोरेमोन हमारी तरह ही खाना खाता है तो टॉयलेट क्यों नहीं जाता, तो चलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जब डोरेमोन कुछ भी खाना खाता है तो वो खाना डोरेमोन के स्टमक में जाकर एनर्जी में बदल जाता है, जिसकी वजह से डोरेमोन को एनर्जी मिलती है और खाने के साथ साथ जो कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा बचती है वो डोरेमोन की बॉडी के अंदर ही क्लीन हो जाती है, जिसकी वजह से डोरेमोन को टॉयलेट नहीं जाना पड़ता। क्लीन कहाँ से हो रहा है भाई, फ्लश क्यों नहीं हो रहा, कहाँ फ्लश हो रहा है, बॉडी के अंदर क्लीन कहाँ जाता है? मैं अपने वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से और नहीं देखा जाएगा। तो ये मेरे साल का आखिरी वीडियो था। आई होप आप लोगों को इस साल एटलीस्ट सेकेंड हाफ में मेरे वीडियोस पसंद आए हो। मेरे इस साल के स्टार्टिंग में 200 सब्सक्राइबर्स थे और अब 2700 हो गए। अगर इसी तरह मैं कंटेंट बनाता रहा तो मुझे यकीन है कि मेरा चैनल जरूर उड़ जाएगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा अगले साल, होपफुली फरवरी में या फिर मार्च में या फिर दिसंबर। लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। No one's ever got